दोस्तों, मेरा नाम है आभा और मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल कोश पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है। सिंस हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, युवा जो हैं स्पेशली, वो जॉब्स के लिए इतना भटक रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। ज़्यादातर युवा जो है अपना बिजनेस खोलते हैं लेकिन बिजनेस फेल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने सोचा कि हम एक इस पे एक वीडियो बनाएं। और तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये लोन स्कीम, इसमें आपको कितना इंटरेस्ट जो है, कितनी जल्दी आपको देना पड़ता है, इसके टाइम क्या क्या है, और इसकी आपको क्या क्या मतलब ट्रेनिंग कैसी होगी आपकी, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो रोज़गार है वो आपको आसानी से जो सरकार। हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके की फीचर्स क्या हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है, जो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है हमारी सरकार द्वारा हमें दी गई, एक ऐसी स्कीम है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। बेसिकली 1 मिलियन अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये स्कीम जो है ये लेकर आई थी हमारी सरकार। तो अब सबसे पहले इसके की फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आप शुरू करना चाह रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट आपने डिसाइड किया है, उसके लिए सरकार जो है आपको 1 लाख फॉर बिजनेस सेक्टर और 2 लाख फॉर अदर सेक्टर्स के लिए देंगे। इसके अलावा आपको जो सब्सिडी है उसमें आपको लिमिटेड टू 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट और अप टू अ सीलिंग ऑफ 7,500 पर एंटरप्रेन्योर। इसके अलावा मार्जिन मनी जो है आपको, वो बैंक्स कैन टेक द मार्जिन मनी, वो 5% से 16% जो है आपका वो लगेगा। इसके बाद जो रीपेमेंट टेन्योर है वो आपका 3 साल से 7 साल तक का है, और ट्रेनिंग एक्सपेंसेस जो है, जो सरकार आपसे जो बैंक से लेंगी, वो होगा विदिन 2,000 पर केस। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन होंगी इसमें, तो बैंक्स होगी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स या डायरेक्टरीज ऑफ इंडस्ट्रीज होंगे। तो अब आगे देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले तो एज है, जो आपकी जो एज है वो 18 साल एज तक होनी चाहिए, 35 या 18 साल के बीच में आप अभी भी नॉन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका रिलैक्सेशन है, जो 10 ईयर्स के लिए है फॉर SC और ST कैंडिडेट्स, वुमेन या एक्स सर्विस मैन एंड फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स के लिए, और 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अपर लिमिट एज जो है वो रिलैक्स किया गया 40 साल के तक के लिए। और एक्स सर्विस मैन, SC ST एप्लीकेंट्स एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, वो लोग 45 ईयर्स तक के लिए एलिजिबल हैं इसके लिए। इसके अलावा जो आपकी एजुकेशन है उसमें आपको 8th क्लास तक पास होना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड तक आपको जो है आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी अगर आप 8th स्टैंडर्ड तक पास हो तो। और इसके बाद जो प्रेफरेंसेस है वो यूजुअली उन लोगों को दिया जाता है जो लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से फॉर 6 मंथ्स। इसके अलावा फैमिली इनकम जो है वो जो होनी चाहिए वो आपकी 40,000 पर एनम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी जो है इससे ज़्यादा है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो और ये इंक्लूड्स इंडिविजुअल एंड स्पाउस और द इनकम ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है, तो ये बात मेन एम है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो रेसिडेंस है वो तीन साल से ज़्यादा एक एरिया का रेसिडेंट होना चाहिए, तो तभी एलिजिबल हो सकता है उसके लिए। और लोन डिफॉल्ट जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आपने कभी डिफॉल्ट किया है या लोन वापस नहीं किया है तो फिर वो आपको लोन नहीं मिल सकता। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है इसके लिए वो क्या क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो एक तो है आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, सच एज योर बर्थ सर्टिफिकेट, SSC सर्टिफिकेट और TC फ्रॉम स्कूल वेर यू स्टडीड, यानी कि अगर आपने 8th पास किया तो TC जो है आपको मिलती है, सर्टिफिकेट्स मिलती है, उसकी सर्टिफिकेट भी आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस फॉर 3 ईयर्स, राशन कार्ड और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स जो आप प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ आप रहते हो उसका।
इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय MRO मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, या क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, EDP ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और अ कॉपी ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट फाइल। आपको प्रोजेक्ट फाइल जो है, जिसके बारे में आप प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हो, वो आपको इनको देना पड़ता है। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि इस स्कीम के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर लिया है कि आपको इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, तो जो एप्लीकेंट है वो उस फॉर्म को, उसको भरना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा एक फॉर्म। मैं आपको लिंक में भी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी आपका उसका लिंक। उस फॉर्म को आप डाउनलोड करना, डाउनलोड नहीं हो तो उसका जीरोक्स ले लेना, उसको भर देना पूरा, और उसको आपको अपने सबमिट करना है अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ के साथ, जो कि आप सबमिट करोगे कहाँ, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर या बैंक जहाँ से आपने लोन लेना है। ठीक है, तो वो जो है आप बैंक में या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में आप जमा करोगे। इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है आपकी, जो आप फॉर्म भरते हो, वो रिव्यू किया जाएगा ऑफिसर्स द्वारा और सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। अब जो इंटरव्यूज हैं वो यूजुअली जो है वो मेन डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में ही की जाती है। इसके लिए इन केस एलिजिबल कैंडिडेट्स जो है, अगर वो अनेबल नहीं आ सकते हैं उस तक ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, या आपको पता नहीं है कि ये स्कीम क्या है, तो इस प्रोसीजर के लिए आपको जो है डिटेल में जो है आपको ये प्रोसीजर समझाया जाता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स के द्वारा और या फिर लोकल बैंक्स के द्वारा। वो आपको अच्छे से समझा देंगे कि आपको इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है और आपको इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे आपको कब कब इसका रिटर्न भरना है, सारा कुछ जो है बैंक्स या DIC आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। अब इट इज पॉसिबल टू अप्लाई फॉर अ लोन इसके अंडर, या तो आप ड्यूरिंग द ईयर कर दो कभी भी, या फिर इनका जो एडवाइजेबल टाइम होता है, पीरियड जो होता है इनका, जब आप इसके लिए स्पेसिफिकली कर सकते हो, वो अप्रैल या जून का टाइम प्रेफर करते हैं ये, कि अप्रैल या जून के टाइम में अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हो तो ये इनका एडवाइजेबल टाइम होता है टू अप्लाई। इसके अलावा इसकी इंटरव्यूज जो होती है वो 3 इंटरव्यूज होती हैं PMRY की, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में होती है। द टास्क फोर्स कमेटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंडक्टिंग द इंटरव्यूज और सेलेक्टिंग द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर लोन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें। और इसके अलावा मैं आपको एक जो इसका लिंक है, वो जो फॉर्म का लिंक है, मैं आपको नीचे डाल के भेज देती हूँ, जिससे आप उस लिंक को क्लिक करके आप उस पर उसको जीरोक्स निकलवा लेना बैंक किसी भी जीरोक्स शॉप से, और इसको जीरोक्स करके सारा फॉर्म जो है भर के बैंक में या DIC में सबमिट कर देना। तो दोस्तों चलो।